नाम सोमाली है, मैं 22 साल की हूँ और मैं लाहौर की रिहायशी हूँ। मैं अंदरून सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा इंशेंटिव लिया है कि उसने तहफ़ सेंटर एक कायम किया है, जिनमें हर वो अफराद जो अपने समझता है कि उसके हुकूक से नहीं मिल रहे हैं, जैसे ट्रांसजेंडर, तशद्दुदज़दा औरतें, घर से भागे हुए बच्चे, ज़हनी मज़ूर और हर वो इंसान जिसके हुकूक से नहीं मिल रहे और वो यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट या अपने मसले मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जो आपकी कम्युनिटी है इससे इसके बारे में बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज किया गया है, टॉर्चर किया जाता है, तंग किया जाता है, वर्क प्लेस में कोई मुनासिब माहौल नहीं है, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि ऐसे इनिशिएटिव जो है आपको सपोर्ट करेंगे आपकी कम्युनिटी को? जी, जैसे कि आपने बताया कि हमारी कम्युनिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक वो वाहद कम्युनिटी है जिनको उनके हकूक नहीं मिलते, ठीक है, उनको उनकी काबिलियत से नहीं, सिर्फ उनकी शनाख्त से उनको दुखकारा जाता है कि ये ख्वाजा सरा है, उनकी काबिलियत नहीं देखी जाती, उनको सिर्फ उन शनाख्त में देखा जाता है कि यार ये तो ख्वाजा सरा है, इसने क्या काम करना है। इवन कि मेरी कम्युनिटी में ऐसे से ख्वाजा सरा हैं, ऐसे से मेरे दोस्त हैं, ऐसे से मेरी सहेलियाँ हैं जो कि बहुत अच्छा काम करना जाती हैं, जानती हैं, जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी है मगर उसे जॉब नहीं मिल रही, जैसे कि कोई डिज़ाइनर बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करती है मगर उसे किसी बुटीक में नहीं रख रही, क्यों? क्योंकि उसकी शनाख्त वो ख्वाजा सरा है और उसकी नस्बत एक औरत काम करे, एक मर्द काम करे। मैं चाहूँगी, ऐसे चाहूँगी कि पंजाब पुलिस ने जैसे कि इनिशिएटिव लिया है, मुझे इस सीट पे हायर किया, वैसे मेरी कम्युनिटी में जिनको जो जो हुनर है, जैसे कोई ख्वाजा सरा मेकअप का काम जानता है बेहतरीन, तो उसे एक अच्छा सा मेकअप आर्टिस्ट के लिए उसको हायर किया जाए, और जो कोई डिज़ाइनर है अच्छी, बड़ी बड़ी कंपनीज उनको हायर करें और उनको जॉब का मौका दें ताकि वो अपना हुनर दिखाएं, अपनी शनाख्त नहीं। हम लोग, हमारी कम्युनिटी, जैसे एक बात एक आप से नहीं शेयर कर सकती, किसी मर्द से नहीं शेयर कर सकती, किसी औरत से नहीं कर सकती। जैसे ही वो देखेंगी कि मैं बैठी हूँ तो वो आके मेरे साथ खुल के बात करेंगी, अरे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगी और वो आके अपने दिल की, अपने मतलब के वो मुझे अपना समझेंगी, उनका दर्द मैं बेहतर जान सकती हूँ और मेरा दर्द वो बेहतर जान सकती हैं, तो इसलिए वो हमारी कम्युनिटी जो है वो मेरे साथ आके बहुत अच्छे से और बहुत खुल के बात करेंगी। मेरे पास कम्युनिटी के कोई 20 से 21 लोग आए हैं, जिनमें कुछ मेरे ख्वाजा सरा बहन भाई जो के अपनी जॉब के लिए आए हैं और इंशाल्लाह हम लोग उनकी जॉब फैसिलिटीज़ पूरी करेंगे। उसके अलावा कुछ केसेस थे वो आए हैं और उनको भी हमने सॉल्व किया और कुछ हम लोग सॉल्व कर रही हैं इंशाल्लाह, और मैं मज़ीद ऐसे ही बेहतरी से काम करूँगी अपने कम्युनिटी के लिए और एक बेहतर अपनी कम्युनिटी को बेहतरीन और सबसे अच्छे लेवल पे लेके आना चाहूँगी इंशाल्लाह। हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी उस खुदा ने बनाया है, अगर आपके घर हमारे जैसा कोई पैदा हो सकता है तो आप क्या करेंगे? आप किसी से लड़ तो नहीं सकते, फिर आप क्या करेंगे? आप खुदा से अगर लड़ सकते हैं तो आप मुझे इस बात का जवाब दें कि ये तो पाक ने बनाया हमें भी, अगर तो आप खुदा से इस बात पर लड़ सकते हैं कि हमें ख्वाजा सरा क्यों दिया है, तो फिर मैं आपके साथ हूँ।